अयोध्या के दशकों पुराने विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कुछ ही दिनों में आने की उम्मीद है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जा रही है। सबसे ज्यादा सतर्कता उत्तर प्रदेश में बरती जा रही है। कई जिलों में पुलिस कप्तान लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के आला अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हर जिले में 24 घंटे एक विशेष कंट्रोल रूम खोलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि लखनऊ और अयोध्या दोनों जगह एक एक हेलीकॉप्टर किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रखे जाए। फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई तरह के दिशा निर्देश इसके अलावा दिए हैं। सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाए, सभी महत्वपूर्ण धर्म गुरुओं को विश्वास में लिया जाए और उनसे अपील की जाए कि वे अपने समाज के लोगों को सद्भाव बनाए रखने को कहें। जिला स्तर पर मीडिया से बातचीत कर उनसे कहा जाए कि इससे जुड़ी खबर को सनसनी बनाने से परहेज करें। हर व्यक्ति से बातचीत की जाए जिसकी समाज में हैसियत है, इनमें धर्म गुरु, वकील, छात्र नेता, व्यापारी और दूसरे लोग हो सकते हैं। फैसला आने पर ना कोई जश्न मनाया जाए और ना ही कोई विरोध करे। सोशल मीडिया की गहरी निगरानी की जाए ताकि कोई अफवाह और नफरत ना फैल सके। सोशल मीडिया पर ऐसा करने वालों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। पुलिस और प्रशासन के सारे सीनियर अफसर खुद मैदान में मौजूद रहे। फुटपाथ पर रहने वाले बेघरों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। अयोध्या फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जा रही है। पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर फौरन एक्शन लिया जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।